प्रणाम, आप मूव मीडिया देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, एक तरफ बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सब बिहार सरकार के मंत्री, नेता, सब कोई, जदयू पार्टी के भी नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर एक नया संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहाली पूरा करने की मांग कर रहे हैं। 94,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने ट्विटर पर नीतीश कुमार को लेकर एक ट्रेंड हैशटैग चलाया है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि दीपावली से पहले उनका नियोजन कर दिया जाए। ट्विटर पर हैशटैग नीतीश कुमार जी प्लीज़ कंप्लीट 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी, ये चलाया जा रहा है। इसके साथ ही लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल कर शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से मांगे कर रहे हैं। बिहार के रीजन में यह हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है। क्या कुछ अभ्यर्थी लिख रहे हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं। श्वेता सिंह हैं, ये लिखती हैं कि नीतीश सर, आप दीपावली से पहले बिहार के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया पर रोक लगाया गया है, नियुक्ति पत्र पर नहीं, इस पर विचार कीजिए सर जी, प्लीज़। इसके साथ ही जी चौधरी नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, पोस्टर बॉय बन गए हैं अपने चाचा, ये सब कुछ बस प्रचार के लिए है, ताकि चुनाव के समय गिना सके कि अपनी इन बेकार की उपलब्धियों को। इस तरह की तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग के साथ नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी नियुक्ति क्यों रोकी गई है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही जो एस टी टी का अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि दीपावली से पहले उनकी नियुक्ति कर दी जाए और जो चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई है उस रोक में कहीं ना कहीं नियुक्ति को लेकर रोक नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सरकार से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नियोजन कब होगा। आपको मालूम ही होगा कि हर समय कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी नियुक्ति को लेकर। कुछ दिन पहले ही राजधानी पटना के सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी उतरे थे और सरकार से अपनी मांगों को लेकर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि आखिर नियोजन हम लोग का कब होगा, 94,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है और अभी तक जो छठे चरण की नियुक्ति होनी है वो नहीं हो पाई है, जिसको लेकर लोग शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस हैशटैग के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।